आज बुधवार नए क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद आपको यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो दिया जा रहा है, तो किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण से वीडियो में थोड़ा समय लग गया, लेकिन आज के बाद आप आपको रेगुलर वीडियो दिए जाएंगे। आज का जो अपना बिंदु होगा दोस्तों, उस बिंदु का नाम है नीति निर्देशक तत्व। आपने पढ़ा होगा दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के बारे में, ये कहाँ से आए, कहाँ जन्मे, कौन से बात भी इसका उल्लेख है, कितने आर्टिकल भी इसका उल्लेख, किन किन चीजों के बारे में लिखा है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कॉम्पिटिशन की दुनिया में इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को आप रेगुलर रख सकते हैं, तथा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इससे जोड़ने का प्रयास करें। हाँ दोस्तों, आज का अपना एक नया जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ये देखना है नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। नीति निर्देशक तत्व होते हैं सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने का क्या देते हैं, आदेश देते हैं। अब बात ये है नीति निर्देशक तत्वों का जन्म कौन से देश में हुआ, तो इनका जन्म हुआ था स्पेन में। लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए, तो उस देश का नाम क्या है, आयरलैंड है। और संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, तो संविधान का भाग 4। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में जाकर एग्जाम में रिपीट होता है, आपसे पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया। तो दोस्तों आपको ये बताना है संविधान का भाग कितना है, 4। लेकिन अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, अब आप उसके टोटल आर्टिकल बता दें 26 से कितने के बीच में है, 51। नीति निर्देशक तत्व के इनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 36-51 के बीच उल्लेख किया गया। अब फिर आपको ये देखना है इन आर्टिकल्स में लिखा क्या है, हर आर्टिकल में अलग अलग लिखा हुआ है। तो पहला इसका आर्टिकल है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में है दोस्तों राज्यों को परिभाषित किया गया है, प्रत्येक राज्य को है, प्रत्येक राज्य की सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करना है। तो वो लोक कल्याणकारी कार्य को राज्य को परिभाषित करने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा हो गया, 36 हो गया। 36 के बाद वाला जो आर्टिकल है वो 37। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, नीति निर्देशक तत्वों का यदि कोई सरकार उल्लंघन कर दे तो ऐसी स्थिति में नीति निर्देशक जो तत्व है उसको किसी भी न्यायालय में प्रवाह नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी राज्य की सरकार नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन कर दे तो किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है। जबकि कोई सरकार यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में वाद दायर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया होगा संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत किसी राज्य के हाईकोर्ट में 5 प्रकार की याचिका क्या हो सकती है, हो सकती है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व है सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कोई लोक कल्याणकारी कार्य करना है या नहीं। यदि उल्लंघन कर दिया तो किसी न्यायालय में किसी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 38 प्रत्येक सरकार को लोक कल्याणकारी कार्यों में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाना चाहिए, प्रत्येक सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याणकारी कार्य की जानी चाहिए ताकि जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो सके। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 38 में किया गया। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, उस आर्टिकल का नाम संख्या है 39। आर्टिकल 39 की बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को है अपनी आजीविका से संबंधित है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन पकड़ा होगा, महिला हो चाहे पुरुष हो यदि समान प्रकार का कार्य करते हैं तो उसका वेतन भी क्या होना चाहिए, समान। इसके लिए भारत सरकार ने 1976 में समान वेतन अधिनियम पारित किया था। भारत सरकार ने 1976 में समान वेतन अधिनियम पारित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का क्या कर दिया, प्रावधान कौन से आर्टिकल में कर दिया, 39। एक बार इसमें आर्टिकल जोड़ा गया 39 के, ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। आर्टिकल 39 के की यदि बात करें, आर्टिकल 39 के में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, समाज का ऐसा वर्ग जो विधिक सहायता प्राप्त करने में यदि असक्षम है तो सरकार के द्वारा ऐसे वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। कौन से आर्टिकल में, 39 के। यह आर्टिकल कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1956।
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा विश्व में देश के प्रधानमंत्री के उसका नाम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 39 के और इसमें उल्लेख कर दिया गया निःशुल्क विधिक सहायता। समाज का ऐसा वर्ग जो न्यायिक सहायता प्राप्त करने में सक्षम है तो सरकार के द्वारा ऐसे वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अब 39 से थोड़ा और आगे चलें, अब आपके सामने आ जाता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 की यदि दोस्तों अपन बात करें, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया, यानी गांव का विकास करने के लिए नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। प्रत्येक राजस्व ग्राम की एक ग्राम पंचायत बनाए जाने का क्या प्रावधान कर दिया गया। जब इस ग्राम पंचायत में पंचायत राज को जब संवैधानिक मान्यता दी गई तो उसका आर्टिकल 243 है। 243 के 33 को संवैधानिक मान्यता दी गई, जबकि आर्टिकल 40 में यदि नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का क्या प्रक्रिया उल्लेख कर दिया गया। 40 के बाद वाला आर्टिकल यदि अपन देखें दोस्तों तो 40 के बाद वाला आर्टिकल है 41। आर्टिकल 41 में शिक्षा रोजगार में वृद्धावस्था का प्रावधान, वृद्धावस्था सहायता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 41 ऐसा है जिसमें शिक्षा रोजगार और वृद्धावस्था सहायता का क्या दिया गया प्रावधान कर दिया। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 41 ऐसा है जिसमें शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन शिक्षा कैसे होनी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, अब शिक्षा को छोड़कर वो आपको किस एंगल पे आ जाता है, प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल कौन सा हो गया मित्रों, वो आर्टिकल है 41 है। आर्टिकल 41 में प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का आयु वर्ग कितना है तो इसके आयु वर्ग के बारे में भी आपसे पूछ लिया। आयु वर्ग कितना है तो आयु वर्ग 15 से लेकर 35 वर्ष। समाज में ऐसा वर्ग जो किसी कारण से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो गया हो तो ऐसे लोगों के लिए आयु वर्ग निश्चित कर दिया गया, वह आयु वर्ग कितना है 15 से 35 वर्ष। 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की जो भी महिला या पुरुष है उनको प्रौढ़ शिक्षा दी जाने का क्या कर दिया गया दोस्तों प्रावधान, प्रौढ़ शिक्षा वाला आर्टिकल कौन सा हुआ 41। ऐसा है रोजगार, यानी रोजगार की बात करें ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने का क्या कर दिया गया प्रावधान, जैसे आप कह सकते हैं महानरेगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। महानरेगा की शुरुआत हुई थी अपने देश में दोस्तों 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से महानरेगा चला था। तो महानरेगा क्या कौन से आर्टिकल में 41। ऐसा आप कह सकते हैं वृद्धावस्था सहायता, इसको आप कह सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जानते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया तो आर्टिकल 41 है। इस प्रकार आर्टिकल 41 से किसी भी टाइप का ज्यादातर क्वेश्चन ये हो जाता है प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख आर्टिकल 41। 41 से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अब 41 से आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 41 के बाद संख्या आ गई आपके सामने 42। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 की यदि अपन बात करें, आर्टिकल 42 की बात करें तो इसमें कार्य करने की न्याय संगत, कार्य करने की न्याय संगत दशाओं का उल्लेख है। कार्य करने की न्याय संगत दशाओं का उल्लेख और न्याय संगत दशाओं के साथ साथ महिला प्रसूति अवकाश का प्रावधान किया गया। महिला प्रसूति अवकाश इसका प्रावधान जिस आर्टिकल में किया गया वो आर्टिकल कितना है 42 है। देखो इसमें देखना है कार्य करने की न्याय संगत दशा, इसका मतलब है प्रत्येक कार्मिक के लिए उसके कार्य स्थल पर कार्य करने की न्याय संगत अच्छी परिस्थितियां होनी चाहिए, यानी प्रत्येक कार्मिक को, प्रत्येक लोक सेवक को, प्रत्येक कोई व्यक्ति काम करने वाला है, सभी जो देश के नागरिक हैं
उनको काम करते समय सरकार के द्वारा अच्छी परिस्थिति उपलब्ध करवाए, काम करने की दशाएं अच्छी हो, तथा महिला पशु की अवकाश, महिला पशु की अवकाश है, यदि महिला है तो महिला ने किसी बच्चा या बच्ची को जन्म दिया, ऐसी स्थिति में सरकार ने उसके लिए कुछ छुट्टियों का प्रावधान किया गया है, तो महिला पशु की अवकाश हमने कितने सप्ताह का है, 26 सप्ताह, महिला पशु की अवकाश है वो 26 सप्ताह का कर दिया गया, यानी 6 माह का महिला पशु की अवकाश है। यदि महिला की जाता हो जाता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में है महिला के लिए 26 सप्ताह का क्या कर दिया गया, 6 वैतनिक अवकाश है, ऐसी स्थिति में महिला को पूरा वेतन भी दिया जाता है। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 42 में है। 42 के बाद वाले दोस्तों आर्टिकल देखो कितना है, 43 है। आर्टिकल 43 की यदि अपन बात करें उद्योगों की स्थापना का प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्र में फैले हुए गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए हमारे देश की सरकार के द्वारा गांव के स्थानीय लोगों की मदद से उद्योग धंधे जो शुरू किए गए हैं उन कुटीर उद्योगों की स्थापना का क्या कर दिया गया, इसमें प्रावधान कर दिया गया। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कुटीर उद्योगों में जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे बीड़ी उद्योग, जैसे पातल गोना उद्योग, जैसे मोमबत्ती उद्योग, जैसे अगरबत्ती उद्योग, जैसे ग्लासलाइट उद्योग, इस प्रकार जैसे चटाई बनाने वाला उद्योग हो सकता है, कुर्सी बनाने वाला उद्योग हो सकता है, इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योग हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत स्थापित किए जाने का प्रावधान है, तो वो आर्टिकल कितना है, 43 है। कुटीर उद्योगों की स्थापना का इसमें क्या कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया। दोस्तों इसमें एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप देख सकते हैं, वो आर्टिकल है 43। आर्टिकल 43 की यदि अपन बात करें तो ऐसे इसमें सहकारी समितियों के गठन का क्या है प्रावधान, सॉरी आर्टिकल 6 है, सहकारी समितियों के गठन का क्या है प्रावधान है। ये कब जोड़ा गया था, 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। सहकारी जो समितियां हैं उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 243 में किया गया, तो दोस्तों सहकारी समितियों के बारे में यदि आपसे पूछे तो उसका आर्टिकल भी कौन सा है, 43 है। 43 के बाद वाला आर्टिकल आपके सामने आता है मित्रों, तो वह आर्टिकल आपके सामने आ गया आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 की यदि अपन बात करें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 ऐसा आर्टिकल है जिसमें एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। आर्टिकल 44 में एक समान सिविल संहिता है, इस सभी सिविल संहिता का प्रावधान जिस आर्टिकल में है वह आर्टिकल कौन सा है, 44 है, 44 है। संविधान का आर्टिकल 44 ऐसा है जिसमें पूरे देश में एक समान सिविल संहिता को लागू करने का क्या दिया गया प्रावधान। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके बारे में नहीं जानते एक समान सिविल संहिता होती क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको, यानी सभी जाति और धर्म के लिए समान प्रकार की संपत्ति से संबंधित कानून कायदे होने चाहिए और समान प्रकार की विवाह पद्धतियां होनी चाहिए। विवाह, संपत्ति, तलाक, ये सभी धर्मों में समान प्रकार के कानून होने चाहिए, उसी को एक समान सिविल संहिता कहा जाता है। दोस्तों हमारे देश में सिविल संहिता की शुरुआत कब हुई, तो अपने देश में सिविल संहिता की शुरुआत हुई 1860 में, ये प्रश्न भी कई एग्जामों में आया हुआ है। भारत में सिविल संहिता की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो भारत में दोस्तों सिविल संहिता की शुरुआत मानी जाती है 1860, लेकिन सिविल संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल कौन सा है, 44 है, 44। आर्टिकल 44 के बाद वाला आर्टिकल है वो कितना है, 45 है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ आर्टिकल 45 में किस चीज का उल्लेख है, तो आर्टिकल 45 ऐसा आर्टिकल है, पहले इस आर्टिकल में ये प्रावधान था 6 से 14 आयु वर्ग के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन प्रेजेंट में कितना कर दिया, 0 से 6 आयु वर्ग की जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का क्या है प्रावधान, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का क्या कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया। तो
मित्रों आपने थोड़ा सा गुण करना है, कितना आयु वर्ग, आयु वर्ग यह देखना 0 से कितना है 6। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब छोटा बच्चा स्कूल में जाने से पहले आंगनबाड़ी केंद्र पर जब जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र पे उसे उसको बैठना सिखाया जाता है, खिचड़ी दलिया वगैरह उसको खिलाया जाता है, ऐसी स्थिति में आयु वर्ग कितना है 6 से 0 से 6 आयु वर्ग है। इसके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन इससे पहले आयु वर्ग कितना था, इससे पहले आयु वर्ग था 6 से 14। आयु वर्ग कितना था 6 से 14, लेकिन इसको 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा इसको यहाँ से हटाते हुए इसको आर्टिकल 21 कह, यानी मौलिक अधिकारों में इसको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो आर्टिकल 21 के ऐसा आर्टिकल है मौलिक अधिकारों का दोस्तों, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का क्या कर दिया गया प्रावधान। और ये कब हुआ था, 86वां संशोधन 2002, देश का प्रधानमंत्री था इस समय मित्रों अटल बिहारी वाजपेयी। अब आर्टिकल 45 पढ़ेंगे तो 6 से 14 आयु वर्ग नहीं पढ़ेंगे, या आयु वर्ग पढ़ेंगे 0 से कितना है 6 आयु वर्ग पढ़ेंगे। 45 के बाद में दोस्तों है आर्टिकल कितना आ गया 46 आ गया। अब आपको ये देखना है आर्टिकल 46 में किस चीज का उल्लेख है, तो मित्रों आर्टिकल 46 में समाज के पिछड़े हुए वर्ग, समाज के पिछड़े हुए वर्ग हो सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी, अनुसूचित जाति और एससी अनुसूचित जनजाति, उन वर्गों को, इन वर्गों को राज्यों के द्वारा, राज्यों के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने का क्या इसमें प्रावधान है। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा दूर कर लेना है, समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, यानी इन सब को आर्थिक सहायता दी जाने का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया, तो संविधान का आर्टिकल कितना है 46 है। वो आर्टिकल 46 के बाद की मित्रों यदि अपन बात करें, 46 से बाद वाले आर्टिकल की तरफ दोस्तों अपन दौड़े तो वह आर्टिकल आ गया संविधान का आर्टिकल 47। संविधान के आर्टिकल 47 के मित्रों यदि अपन बात करें तो संविधान का आर्टिकल 47 है, इसमें किस चीज का उल्लेख है, सबसे पहले आपको ये देखना है आर्टिकल 45 में उन्नत जीवन स्तर, आर्टिकल 45 है इसमें उन्नत जीवन स्तर, उन्नत जीवन स्तर को बनाए रखने के साथ साथ इसमें मादक पदार्थों की तस्करी का, मादक जो पदार्थ है इन पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाए जाने का क्या है, इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ उन्नत जीवन स्तर, अच्छा जीवन बनाए रखने का प्रोत्साहन देते निर्देशक तत्वों की कौन से आर्टिकल में किया गया, दोस्तों वो आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 में नीति निर्देशक तत्व का ऐसा आर्टिकल है जिसमें अच्छा जीवन बनाए रखने का प्रावधान किया गया। साथ में शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हानिकारक जो पेय पदार्थ हैं या जो भी पदार्थ हैं हानिकारक हैं जो प्रदूषित प्रभाव डालते हैं उनको प्रतिबंध करने का क्या किया गया प्रावधान, जैसे उन्नत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अच्छा पोषाहार, खान पान अच्छा होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जैसे मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना दोस्तों आपने पढ़ा होगा दोपहर का भोजन, हमारे विद्यालय में एक ऐसी योजना चल रही है जहाँ कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, जिसे दलिया, खिचड़ी, बाटी, दाल, फलाहार यानी फल भी दिए जाते हैं। तो मिड डे मील योजना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल कितना है 47। मिड डे मील हमारे देश में कब शुरू हुआ, देश में तो ये देश में शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 को भारत के जिस राज्य में इसे शुरू किया गया था वो राज्य है तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य में इसको शुरू किया गया, उस समय तमिलनाडु के पशुपालन के साथ साथ इसमें गोवध का निषेध किया गया है, गोवध का निषेध किया गया है।
यानी इसका निश्चित कर दिया गया गाय की हत्या करना कानूनी रूप से क्या है, अपराध है। कृषि, कृषि गाय के साथ साथ क्या हो सकता है, पशुपालन, कृषि के साथ साथ कुछ पशुपालन हो सकता है, खेती का काम भी हो सकता है, उसके साथ में गाय भैंस घोड़ा गधा कुकरा बिलाई गंधरा जो भी पालतू जानवर है इन सबको इसके साथ में पालते हैं। गोवध का निषेध, गाय और कोमरेड की हत्या करना दंडनीय क्या है, अपराध। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेमीग्रेड एग्जाम। गोवध का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद कितना है 48 है। 48 में जैसे एग्जाम्पल आप इसमें को भी दे सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति की यदि अपन बात करें तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, पशुपालन रहते हैं, कृषि से। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में लाई गई, यानी कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के अपने देश में क्या की गई, शुरुआत की गई। हमारे देश में खाद्यान्न का अभाव पैदा हो गया, इसलिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को दोस्तों प्राप्त करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति अपने देश में कब शुरू हुई दोस्तों, ये 1966 और 67 में शुरू हुई। इसको भारत में इसके जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के बाद में जनक थे उसका नाम है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन है, इसके प्रयासों से अपने देश में हरित क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत। हरित क्रांति है ये बात की कौन से राज्य में शुरू हुई थी दोस्तों, आप बताएंगे पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा के साथ साथ में पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इसमें हरित क्रांति की क्या की गई थी, शुरुआत। भारत के ऐसे राज्य जिनमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं होने के साथ साथ वहां का किसान आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और उस क्षेत्र में हरित क्रांति की क्या की गई, शुरुआत। तो अपने देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। इसका सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पे पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पे पड़ा, तो दोस्तों इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं की फसल, और दूसरी जो खाद्यान्न की फसल थी उसका नाम क्या था, चावल। हरित क्रांति का मित्रों सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा गेहूं और कौन सी फसल थी, चावल की फसल के ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके बारे में भी प्रश्न आ जाता है हरित क्रांति की शुरुआत, तो हरित क्रांति 1966 और 67, बाद में इसका जनक कौन था, एम एस स्वामीनाथन। बाकी किन राज्यों में चली, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी खाद्यान्न फसल पे पड़ा, तो पहली सबसे ज्यादा प्रभावित फसल उसका नाम गेहूं और दोस्तों दूसरी फसल का नाम क्या है, चावल है। अब 48 के बाद में इसमें आर्टिकल एक और जोड़ दिया गया, इसीलिए एक आर्टिकल और जोड़ दिया गया 48 के। अब पशुपालन में भी जैसे आप कह सकते हैं श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति अपने देश में चली थी वर्गीज कुरियन के प्रयासों से, ये चली थी अपने यहाँ 1970 में। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन, इसका मतलब पशुपालन, जैसे गाय से दूध प्राप्त करना, भैंस से दूध प्राप्त करना, बकरी से दूध प्राप्त करना, भैंस से दूध प्राप्त करना, पाटा से नहीं भैंस से दूध प्राप्त करना। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको किसी में मेंटेन करके देखनी होती है। 48 के बाद वाला आर्टिकल है मित्रों, उसमें एक आर्टिकल को जोड़ दिया गया, वो आर्टिकल है 48 के। अब आपको देखना है 48 के में क्या लिखा हुआ, 48 के की यदि अपन बात करें, 48 के आर्टिकल 48 के है तो मित्रों इसमें उल्लेख किया गया है वन एवं पर्यावरण संरक्षण का क्या कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया वन एवं पर्यावरण संरक्षण, वन एवं पर्यावरण संरक्षण का क्या है इसमें प्रावधान, वन एवं पर्यावरण संरक्षण का इसमें क्या किया गया दोस्तों, प्रावधान किया गया वन और पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 का। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है वन एवं पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 48 के है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए हमारे भूभाग कितने लग कितने परसेंट भूभाग को वन होना जरूरी है, तो भूभाग कितना होना चाहिए 33%। आज हमारे देश में आपने देखा होगा मानसून की प्रतिकूलता होने का कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण और वन में लगातार क्या होना गिराव कमी का होना, तो वन कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग के होने चाहिए 33, जबकि है नहीं। तो वन पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण को संरक्षित करना, तो भारत सरकार की दोस्तों यदि अपन बात करें, भारत सरकार ने 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या कर दिया था पारित,
भारत सरकार ने 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किया गया था पारित, यही प्रश्न पूछ लेता है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1980। 48 के बाद वाले दोस्तों संख्या है 49, आर्टिकल 49 में किस चीज का उल्लेख है तो मैं सुशील कुमार जी आपको बता देना चाहता हूँ। आर्टिकल 49 ऐसा है जिसमें जो भी राष्ट्रीय स्मारक हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय स्मारक है इन राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षित करने का क्या है प्रावधान, अपने देश में जो भी राष्ट्रीय स्मारक है इन सबको संरक्षित करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 49। आर्टिकल 49 है देश के जितने राष्ट्रीय स्मारक है उन सबको संरक्षित करने का हम सबका दायित्व है, उनको सुरक्षित रखें और भविष्य के लिए उनको संजो कर रखें। तो राष्ट्रीय स्मारक आर्टिकल 49, 49 के बाद वाला आर्टिकल है मित्रों कितना 50। आर्टिकल 50 की बात करें, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका है इनकी कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया, यानी आर्टिकल 50 ऐसा है जिसके तहत है कार्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या कर दिया अलग, न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे देश में जो भी न्यायालय है वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी विषय पर अपना डिसीजन दे सकते हैं, जबकि कार्यपालिका कितने प्रकार की होगी, दो, एक स्थायी एक अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में दोस्तों आपके ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, अस्थायी कार्यपालिका में आता है जैसे केंद्रीय स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से क्या होते हैं सदस्य होते हैं। 50 के बाद वाली संख्या कितनी है, 51। आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर है इसके ऊपर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का क्या है प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है वो शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण क्या दें योगदान दें। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था है उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया, तो वो आर्टिकल है मित्रों कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 51 है। ऐसा नहीं है आप बढ़ती हुई वास्तविक में पूरा लगा दें और लड़ाई को बढ़ावा दे दें, ऐसे कभी नहीं करना है, यानी शांति व्यवस्था को क्या अपना बनाए रखना। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के टोटल आर्टिकल है दोस्तों 36 से लेके कितने के बीच में हो गए 51। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था, किस चीज को लेके किस पर्पज से इसको संविधान में शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था, इसके उद्देश्य की बात आ जाए तो आप बताएंगे आर्थिक व सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की क्या करना स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज से कई बार पूछा जाता है मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करना स्थापना। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की क्या करना स्थापना करना, इस प्रकार आपके नीति निर्देशक तत्वों का टॉपिक क्या है कम्प्लीट हुआ। लेकिन दोस्तों आज का मैं एक क्रम का एक प्रश्न और बता देता हूँ आपको, हमारा देश भारत है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका 2021 और 22 के लिए आठवीं बार है इसका अस्थायी सदस्य देश बना है। हमारे देश भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश। तो अस्थायी सदस्य देश कितनी बार हो गया, आठवीं बार का इसका कार्यकाल कितना होगा 2021 से 2022 होगा। लेकिन इसके साथ साथ वो कौन से देश अस्थायी सदस्य देश बनाएंगे, तो दोस्तों उस देश का नाम है आयरलैंड, आयरलैंड के साथ में दोस्तों उसका नाम है नॉर्वे और नॉर्वे के साथ में दोस्तों उसका नाम है मैक्सिको, यानी भारत आयरलैंड नॉर्वे और मैक्सिको को 2021 में 22 के लिए सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाया गया। हमारा देश बात इसका कितनी बार सदस्य कौन सी बार इसका सदस्य देश बनेगा, तो सदस्य देश कौन सी बार बनेगा आठवीं बार, जबकि चीन के अड़ियल रवैये के कारण से हमारा देश भारत में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं बन पाता है। तो
क्योंकि चीन के पास ये वीटो पावर है और मैं स्थायी सदस्य देश बनने की कंडीशन बता देता हूँ, क्या कंडीशन होनी चाहिए। देश के पास विशाल जनसंख्या होनी चाहिए, हमारे देश में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, विशाल भूभाग होना चाहिए, तो इस दृष्टि से हमारा देश विश्व का सातवां बड़ा क्या है देश, विशाल सेना होनी चाहिए, तो देश के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है। ऐसा देश तो विविधताओं में एकता है, विविधताओं में एकता वाला देश होना चाहिए, तो वर्ल्ड में हमारा देश इस प्रकार का एकमात्र देश है जिसमें विविधताओं में क्या है एकता है, तथा लोकतंत्र का समर्थन करने वाला होना चाहिए। तो आजादी से लेकर आज तक हमारे देश में लोकतंत्र स्थायी रूप से जमा है, उसके बावजूद भी चीन के अड़ियल रवैये के कारण से सुरक्षा परिषद का क्या है 12 स्थायी सदस्य देश। अब देखो दोस्तों इससे थोड़ा आगे बढ़े भाग से नीति निर्देशक तत्वों से यदि अपन बात करें तो नीति निर्देशक तत्व आपके हो गए, मौलिक अधिकार आपके हो गए, संविधान सभा आपकी हो गई। अब इसके बाद छोटा सा एक बिंदु आपके सामने आ जाता है मौलिक कर्तव्य, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा भी है। आप देखेंगे इसमें मौलिक कर्तव्य की यदि अपन बात करें तो मौलिक कर्तव्य की यदि बात करेंगे तो एकदम शॉर्ट है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में आप देख रहे हैं। अब मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों अपन बात करें तो मौलिक कर्तव्य एक बार फिर देखें, ये जिस देश के संविधान यानी मूल संविधान में तो कोई प्रोसेस था नहीं, ये अपने देश में रूस के संविधान से लिया गया थे। और कौन सी समिति, ये समिति बार बार एग्जाम में आती है कि समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसमें कुल सदस्य कितने थे 3 सदस्य थे। लेकिन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। देश की समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया दोस्तों, कौन सा 4K। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में हो गया 4K। आर्टिकल एक नया जोड़ा गया 51K, इसमें कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया 10। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो प्रेजेंट में मौलिक कर्तव्य कितने हैं 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए और प्रेजेंट टाइम में इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आप इसका भी आंसर देंगे 86वां संविधान संशोधन 2002। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी इसका जन्मदिन है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 जो आयु वर्ग है इसके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य में निःशुल्क शिक्षा है तो अनिवार्य में निःशुल्क शिक्षा के रूप में इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 आयु वर्ग के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। इसी में एक क्वेश्चन और भी आपके लिए खड़ा कर देगा, भारत सरकार ने अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अधिनियम कब पारित किया, तो भारत सरकार ने अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा जो अधिनियम है, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम की दोस्तों यदि अपन बात करें तो ये अधिनियम पारित किया था अगस्त 2009 में पारित किया। लेकिन इसे लागू कब किया गया, तो दोस्तों इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम है वे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जबकि अगस्त 2009 में इसको पारित किया गया। और इसे लागू करने वाला देश का प्रधानमंत्री है, उसका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा है, लेकिन एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, समिति पूछ ले, संविधान संशोधन पूछ ले, उस संविधान का भाग पूछ ले, संविधान का आर्टिकल पूछ ले, कितने हैं संख्या के बारे में, तो ये सारा प्रोसेस आप अच्छी तरह से इसमें हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद है, और मैं उम्मीद रखता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और लाइक भी करेंगे। तो गोपाल जी गढ़वाल की तरफ से दोस्तों सभी को क्या है, राम राम है, नमस्कार है दोस्तों।